कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूँ कि मुझे 10 साल पहले पता होनी चाहिए थी। काश कि मुझे बहुत ही उससे भी ज़्यादा पहले पता होनी चाहिए थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे इस लेवल तक पहुंचने में। और लगता है क्योंकि हम इतने एडवांस लोग मतलब शुरू से नहीं है, और थोड़े अरसे के बाद हम इस ऐसे माशरे में आ चुके हैं जहाँ से मतलब पता चलता है कि यार लाइफ को कैसे गुजारनी चाहिए। बहरहाल गाइज, आप लोग सोचते होंगे कि यार ये बंदा तो रोज़ डिफरेंट काइंड ऑफ व्लॉग्स बनाता है और आज अजीब सी बात है, लेकिन गाइज ये मेरा थोड़ा सा छोटा सा वर्क स्पेस है जहाँ पे मैं बैठ के वीडियोस एडिट करता हूँ। ये मेरा शेल्फ है और आप लोगों को पता है कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर डॉर्मेट्री में रहता हूँ और मैं चाइना में होता हूँ। तो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू फ्रेश वीडियो। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल में तो मेरा नाम है उस्मान अरियान और मैं मास्टर्स कर रहा हूँ चाइना में अनहुई नॉर्मल यूनिवर्सिटी से। तो गाइज जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट बात पे आता हूँ गाइज, कि मुझे काश पता होता, जैसे मैंने पहले शुरू में बताया कि अपनी बॉडी जो है ये कितनी इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली अपनी बॉडी में हर चीज़ तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्पेशली जो अगर बात की जाए फेस की, कि स्किन आपका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बहुत अरसे के बाद मुझे यहाँ तक पहुँचने में मुझे टाइम बहुत लगा, लेकिन आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत अरसे से मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन लाइटिंग रूम में इतनी अच्छी नहीं थी और ये बातें सारी बाहर जाके बताना अच्छी भी नहीं लगती क्योंकि बैठ के अच्छा होता है। अभी बहरहाल गाइज आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरे यूट्यूब के चैनल पे को क्या क्या चीज़ें जो है वो आइंदा आने वाली है। एक तो गाइज सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको पता है कि मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, व्लॉग्स तो मेरी आती ही रहेगी क्योंकि ये इट्स माई हॉबी। इसके साथ साथ मैं हमेशा सोचता था कि मैं आप लोगों के साथ नॉलेज, जिस वीडियोज़ में नॉलेज हो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन उनके लिए स्टूडियो ज़रूरी थी और अभी मैंने बहुत सारा काम जो है वो स्टूडियो में अपने रूम के अंदर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मैं अपना रूम जो है वो काफ़ी तकरीबन स्टूडियो में चेंज कर लिया है, लेकिन मैं आप लोगों को बाद में टूर कराऊंगा। दूसरी बात ये कि जो नॉलेज की वीडियोस है उसमें मैं आप लोगों को किसी हद के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जब भी मुझे मौका मिलेगा, और जो चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ मैं आप लोगों को वही चीज़ें बताऊँगा। उसके बाद गाइज मैं आप लोगों को जो वीडियोज़ या फोटोज़ के बारे में, वो क्योंकि मेरा मेजर है तो उनके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। बहरहाल गाइज स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मैंने कहा कि आप लोगों के साथ ये मैं अपने यूट्यूब के में बताऊँ कि क्या क्या आने वाला है मेरे यूट्यूब पर। आज चूँकि मैं 30 जो डेज़ है, ये लैपटॉप बंद कर दूँ, जो 30 डेज़ है जो मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा कि स्किन केयर के बारे में, ठीक है, स्किन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं 30 डेज एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ स्किन पे। उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा कंपनीज़ जो है वो सर्च की कि कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी बुरी है, बहुत ज़्यादा सर्च मैंने की। बहरहाल तकरीबन महीना लगा इस सर्च पे और मैंने बहरहाल लिया है सर, ये आप लोग देख सकते हो सर, डेविड बेकम जो है, ये आप लोगों को पता है कि फैशन आइकॉन है और जो फुटबॉलर आप लोगों को पता होगा, उनकी जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है सबसे पहले मैंने उसको सेलेक्ट किए है क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया लेकिन वो बंदा मुझे लगा कि इस बंदे की प्रोडक्ट्स में हो सकता है कुछ ना कुछ हो। तो ये अभी मैंने लिए, आज तकरीबन डेट है 25 या 24 फरवरी, और ये मैं आप लोगों को फिर दोबारा इसकी मैं रिव्यू करूँगा कि एक मई पूरे 30 दिन बाद, लेकिन आज से मैं ये शुरू कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए थे कुछ दिन पहले, ये पहुँच चुका है आज सुबह और मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोडक्ट को रिसीव करने में। इस प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे कि क्या क्या चीज़ें पहले मैंने खोला था, लेकिन दोबारा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इसमें। और ये दूसरी बात ये कि ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं, अभी हम इतने लेवल तक पहुँचे नहीं गए इतनी बड़ी कंपनीज जो है वो हमें स्पॉन्सर कर सके। इसके अंदर ये है एक बैग, छोटा सा बैग को आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और ये इनकी जो सर डेविड को अगर आपने देखा नहीं हो तो डेविड सर की मैं आपको तस्वीर बताता हूँ, ये है डेविड बेकम, ये इसको फैशन आइकॉन कहते हैं, ये पूरा नाम रखता है और इस बंदे ने जो कंपनी बिल्ड की है ना इसकी मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो उसके बाद गाइज जो चीज़ें हैं इसमें उसको निकालते हैं, सर की पैकिंग मुझे बहुत पसंद है, मुझे पहले मैंने इनकी प्रोडक्ट्स यूज़ किए लेकिन कम, इतनी ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किए, लेकिन इसकी पैकिंग मुझे बहुत पसंद है। इस पे सर क्या कहते हैं कि हेयर इज़ माई ग्रूमिंग एडवाइस, प्ले अराउंड, ट्राई द अनएक्सपेक्टेड बट अबव ऑल गो विद व्हाट यू लाइक, आई ऑलवेज हैव डेविड बेकम। तो डेविड बेकम की ये
बैग है, इसके अंदर आता है ये पूरा सा डब्बा, और इसके अंदर ये है गाइस इसकी। मेरे स्किन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, मुझे मैं हमेशा जो है धूप में चलने फिरने वाला बंदा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता है, मेरे पिगमेंटेशन बहुत होती है और स्पेशली मेरी नींद बहुत ज़्यादा कम है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ये जो आप लोग अगर देख सकते हो, ये जो आंखों के नीचे ये जो नीलापन आ जाता है, ये जो नस जो है बाहर आ जाती, तो ये मुझे बहुत सालों से प्रॉब्लम है। आई डोंट नो जेनेटिकली है या क्या है, लेकिन नींद मेरी अच्छी नहीं है और धूप में भी बहुत ज़्यादा घूमता हूँ तो पिगमेंटेशन भी होती है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये आई बाम है सर का, सर डेविड बेकम, इसके साथ ये फेस जो है मॉइस्चराइज़र, इसके बाद फेस वॉश, और इसके बाद जो है ये प्रोडक्ट है क्या है ये टोनिंग जो लोशन है, ये इसका ये भी फेस मॉइस्चराइज़र है। ये प्रोडक्ट्स जो है फेस वॉश और फेस मॉइस्चराइज़र और टोनिंग लोशन और आई बाम, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है मैं 30 डेज यूज़ करूँगा, ये इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन बीच में ख़त्म हो गए मैं दोबारा ऑर्डर करूँगा, लेकिन 30 दिन कम्प्लीटली मैं कोशिश करूँगा कि ये मैं मुकम्मल करके फिर आप लोगों को मैं बता सकूँ कि कितनी डिफरेंस आई है मेरी स्किन। लेकिन आप लोग मेरी स्किन को अभी नेचुरली देख सकते हो, ये मेरी नेचुरल अभी स्किन है, मैंने मतलब बहुत महीने हो गए कि चीज़ें यूज़ नहीं की है, तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरी रियल स्किन है। लाइट ज़्यादा है शायद, पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा होगा डिफरेंस या नहीं, लेकिन इतनी अच्छी अभी फ़िलहाल मेरी स्किन नहीं है, लेकिन 30 दिन के बाद मैं देखूँगा कि स्किन में कितनी चेंजेस आती है। तो ये गाइस इतनी अच्छी वीडियो शायद ना हो, लेकिन इसका मेरा सबसे बेसिक मकसद ये इस वीडियो का कि आप लोगों को बताओ कि चैनल पे क्या क्या चीज़ें आएगी, मैं अभी आइंदा क्या क्या चीज़ आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों के फैशन के बारे में लेके आऊँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैंने पहुँचाना था कि क्या क्या आने वाला है और क्या क्या इंशाल्लाह इस चैनल पर होगा। तो बहुत ही फिट वीडियो आने वाली है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि बाद में आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े और आप लोग वीडियोस मिस करो। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, और मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो कंटेंट है वो बड़ा ज़बरदस्त होगा, बड़ा आपको मज़ा आने वाला है और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। 30 दिन के बाद दोबारा मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगा, नेक्स्ट मंथ जो है इनकी सारी चीज़ें डिटेल के साथ मैं शेयर करूंगा। अभी गाइस वीडियोस आएगी, यूट्यूब स्टूडियो में बना रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, नॉलेज वीडियोस फोटोग्राफी और फैशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें अगले आने वाले दिनों में आने वाली है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग मी, और थैंक यू सो मच। और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं डेली बेसिस पे, कमेंट वीडियोज़ लाइक्स पे दे रहे, तो love you all and I will see you in the next video. Tab tak ke liye bye bye, love you all and peace.